कामयाबी के बारे में ऐसे समय पर सोचते हैं जबकि हम लोगों को कामयाब होते हुए देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द कुछ कुछ लोग जो कि अपने आप को साबित कर चुके होते हैं उनको देखते हैं, इन लोगों को देखने के आधार पर हम ये तय करते हैं कि कामयाबी की परिभाषा कुछ कुछ ऐसी होनी चाहिए और हम उनको ब्लाइंड फोल्डेडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बस यहाँ से समस्या शुरू होती है, ये हमारे भीतर से निकली हुई चीज नहीं है। हम देखते हैं यूट्यूब पर लोग कामयाब हो रहे हैं, हम यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। हम देखते हैं लोग प्रतिष्ठित पत्रकार हो गए, हम पत्रकार बनना चाहते हैं। हम देखते हैं वो एंकर फला एंकर इस तरह से काम कर रहा है तो हम एंकरिंग करना चाहते हैं। हम देखते हैं फलाना पॉलिटिशियन या बाबा रामदेव ने ऐसे अपने आप को हिट कर लिया या संदीप माहेश्वरी ने अपने आप को बढ़िया वो बन, तो हम उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इनको फॉलो करना बिल्कुल बंद करिए, आप उस अर्ज पर जाइए जिससे इन लोगों ने कभी शुरुआत की होगी। हो सकता है ये भी किसी से इंस्पायर रहे हो सकता है इन्होंने भी कुछ समय तक फॉलो किया हो, लेकिन मूल सिद्धांत बिल्कुल साफ है, चाहे वो जुकरबर्ग का हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स का हो, चाहे वो आपके जितने देसी लोग रहे, चाहे आध्यात्मिक फील्ड के लोग हो, विज्ञान जगत के लोग हो, उनके अंदर उस चीज को लेकर, उस फील्ड को लेकर एक अर्ज है, एक भूख है। उसको सुनते ही उनको लगता है कि नहीं यार ये काम करना है, ये काम मेरे दिल का है। तो अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज्यादा बॉन्डेज महसूस करते हैं और इसीलिए उनके प्रति इतना अनुग्रह रहता है आपका कि अगर मान लीजिए बच्चे को चोट लग गई तो आप तुरंत इग्नाइट होकर सारी दिक्कतों को भूलकर उस तरफ दौड़ पड़ेंगे। आपके घर में कुछ हो गया तो आप तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ेंगे, लेकिन वही कोई पॉजिटिवली या सकारात्मक रूप से आपको कोई काम करना है तो आपको, आप कहते हैं कि नहीं मेरी आदत नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं ये आलस्य कैसे त्यागूं, मैं एक जगह पर फोकस करके वो काम नहीं कर पा रहा हूं, वो काम नहीं कर पा रही हूं। तो ये समस्या जो शुरू होती है, इस समस्या की मूल जड़ ये है कि आपने आलस्य को एक तो अपनी आदत बनाया है और दूसरा सफलता का जो पैमाना आपने तय किया है उसको लेकर आपके भीतर वो अर्ज नहीं है जो सफल लोगों में होती है। वो अर्ज कैसे पैदा हो ये महत्वपूर्ण सवाल है। उस अर्ज को पैदा करने के लिए रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान, यानी कि आप लगातार बार बार किसी काम को करते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, तो वो आपकी आदत बन जाता है। आदत को तोड़ने के लिए आदत ही एकमात्र, जैसे जहर को जहर मारता है वैसे आदत को आदत मारती है। अगर बुरी आदतें आपकी परेशानी है तो अच्छी आदतें आप बनाइए। बुरी आदत है आलस्य या टालम टोल करना, बुरी आदत है कि कोई आइडिया आता है उसको तुरंत इंप्लीमेंट नहीं करना और 15-20 दिन बाद एक नया आइडिया आ जाना और उस चक्कर में पुराना आइडिया जो कभी पड़ा हुआ था उस आइडिया को बिल्कुल भूल कर बैठ जाना और इस तरह से आइडिया 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 आइडियाज का ढेर लगाते रहना, एक को भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाना। अच्छी आदत क्या है? ऑन द कॉन्ट्ररी, बिल्कुल इसके उलट, जो एक चीज पहली सामने आए, आज आए, अभी आए, उसको करना शुरू कर देना। इससे होता क्या है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे ही आप आदत को बनाना शुरू करते हैं आपको आदत की ताकत समझ में आ जाती है। आपको यह समझ में आ जाता है कि यदि अगर आपने किसी चीज को इंप्लीमेंट तुरंत कर दिया है तो उसके परिणाम छोटे बड़े जैसे भी वो तुरंत आ जाते हैं। फिर आपको ये आदत पता लग जाती है कि अगर आपने आदत को कंट्रोल किया, सही आदत बनाई और तुरंत चीजों को इंप्लीमेंट करने की आदत डाल लिए तो आपको परिणाम मिलेंगे। जिसे एक बार सही परिणाम मिलना शुरू होता है उसे बार बार सही परिणाम मिलने शुरू होते हैं। जिसे एक बार छोटा सही परिणाम मिलता है उसे बार बार बड़े सही परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आदत को आदत से मारिए और आप सही परिणामों को जीवन में लाने की आदत डाल लीजिए। आप देखेंगे कि सफलता छोटी सफलता छोटी सफलता छोटी सफलता और सफलता 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 फिर आपकी आदत बन जाएगी। आप कभी सफलता के बारे में भी नहीं सोचेंगे क्योंकि सफलता आपकी आदत बन चुकी होगी।